अरे आइए आइए, आप तो चाणक्य की भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा जगदेव प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर की भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, आप तो दर्शक मांझी की धरती से आए हैं। अरे आइए आइए, आपके यहाँ तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को दांतों तले उंगलियां चबानी पड़ी थी, आप उस क्रांतिकारी धरती से आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। कन्हैया कुमार सीपीआई का दामन छोड़ कांग्रेस कहां थामा उन्होंने, और आज सदाकत आश्रम पहुंचे थे जहां पर कन्हैया कुमार जब सीपीआई में थे तो नारा जो है वो कन्हैया कुमार का पूंजीवाद और वंशवाद से आज़ादी हुआ करता था, मगर कांग्रेस में शामिल होते ही कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार का जो है नारा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आइए आइए नारा जो है वो लगा रहे हैं कन्हैया कुमार, क्या है आइए आइए नारा कन्हैया कुमार का, जरा आप वो सुनिए। दौरान अंग्रेजों के साथ चाय पे चर्चा की, एक तरफ हम हैं कि हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान गवाई है। आपको पता है मुझे क्यों नहीं लगता है कि मैं दूसरे परिवार में आया हूं? मैं पहले भी सदाकत आश्रम आ चुका हूं। मेरे गांव के, मेरे परिवार के लोग, पूरा का पूरा परिवार सदाकत आश्रम में रहता था, मैं उस भूमि से आता हूं। अजीब संयोग है कि हमारा ताल्लुक उस परिवार से है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता रामचरित्र बाबू भी उस घर में पैदा हुए और कांग्रेस पार्टी के भी शीर्ष नेता चंद्रशेखर बाबू उसी घर में पैदा हुए। हम उस गांव जाते हैं, हमको असल में समझ में आती है कि विपक्षी एकता क्या होती है। विपक्षी एकता का मतलब अगर कोई समझ सकता है तो सदाकत आश्रम की भूमि समझ सकती है, इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। और दूसरा भरोसा मैं आपको दे सकता हूँ, देखिए पूर्वा पछिया कुछ हो जाए इतना तो मानते हैं ना कि कांग्रेस कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। बोलिए विचार को सिंधिया निकल जाए क्या भी है? क्या कांग्रेस पार्टी कभी भाजपा के पास जा सकती है? और एक इतिहास और बता देते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं, कल से प्रवक्ता जवाब दे कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके कौन ऐसी पार्टी है जिसने भाजपा के साथ गला नहीं मिला है। और आखिरी बात बोल करके मैं आपकी बात खत्म करूंगा, मैं बिहार के तमाम वो लोग जिनको बिहारी होने पे गर्व महसूस होता है, बिहार के वो तमाम नौजवान जिनको लगता है कि बिहार का मुस्तकबिल बदलना चाहिए, जब हम जाएं तो लोग सम्मान के साथ कहे अरे आइए आइए, आप तो बुद्ध की ज्ञान भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, आप तो चाणक्य की भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा जगदेव प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर की भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, आप तो दर्शक मांझी की धरती से आए हैं। अरे आइए आइए, आपके यहाँ तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को दांतों तले उंगलियां चबानी पड़ी थी, आप उस क्रांतिकारी धरती से आए हैं। तो आपने सुना कन्हैया कुमार को सीपीआई में, कन्हैया कुमार का भले ही नारा कुछ और हुआ करता था मगर जैसे ही कांग्रेस का हाथ कन्हैया कुमार ने थामा वैसे ही कन्हैया कुमार ने अपना नारा भी बदल दिया है। अब आइए आइए बिहार बदलें का नारा जो है वो कन्हैया कुमार गुनगुनाते दिखाई दे रहे हैं और आवाज़ बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं, जमकर निशाना साध रहे हैं सत्ता पक्ष और बीजेपी पर और कहते नज़र आ रहे हैं कि एकजुटता की आवश्यकता है, आइए आइए एकजुट हो। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आइए आइए, आप तो चाणक्य की भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा जगदेव प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर की भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, आप तो दर्शक मांझी की धरती से आए हैं। अरे आइए आइए, आपके यहाँ तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को दांतों तले उंगलियां चबानी पड़ी थी, आप उस क्रांतिकारी धरती से आए हैं।